भारत का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में दिन प्रतिदिन एक नया मोड़ आते हुए दिखता है। हर रोज कुछ न कुछ नया अपडेट मिलता है। इसको लेकर के बिहार पुलिस की जो टीम है वो मुंबई गई हुई है, मुंबई में जाँच कर रही है। इस दौरान वहाँ से जो है मुंबई से बहुत सारी खबरें जो है आ रही है, बिहार तक पहुँच रही है। और इसी खबरों पर आज जो है बिहार में लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार के, उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस पर एक बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने पैसे लेकर के इस केस को दबाने की जो बात है वो कैबाद है वो शुरू कर दी है। उन्होंने ये तब आरोप लगाया है जब ये खबर यहाँ पटना तक पहुँच रही थी कि बाहर से जो बिहार से जो टीम गई हुई है पुलिस की, उसे महाराष्ट्र पुलिस जो है, मुंबई पुलिस जो है, कोई सहयोग नहीं कर रही है। और वहाँ से एक ऐसी भी खबरें आ रही थी कि उन्हें जो है बिहार की जो पुलिस है उसे मीडिया से मुखातिब होने के लिए मुंबई पुलिस ने रोक लगा दिया है और उसे जबरन गाड़ी में बिठा करके जो है दूर कर दिया है, मीडिया घराने से उसे दूर कर दिया है। तो ऐसे में जो तेज प्रताप यादव है वो लगातार हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का लाल था, बॉलीवुड अभिनेता था और एक जो एक संवेदनशील और जो है वो इंसान था। तो ऐसे में उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है महाराष्ट्र पुलिस पे, मुंबई पुलिस पे बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि वो सभी लोग जो पैसे लेकर के जो है इस बिहार के लोगों के जो अस्मिता से जुड़ा हुआ है, बिहार की लोगों के जनभावना से जुड़ा हुआ ये सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या का जो मामला है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उन्होंने वहाँ की जो पुरानी सरकार रही है उस पर भी उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो मराठियों के जो है पहले से ही बिहारियों के प्रति एक नीच मानसिकता रही है, ऐसे में इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या का जो मामला है उसको महाराष्ट्र पुलिस दबाने की कोशिश नहीं कर रही हो। तो आपको बता दें कि ऐसी भी खबरें आ रही थी कि जब बिहार पुलिस वहां गई है तो महाराष्ट्र पुलिस जो है, मुंबई पुलिस जो है, बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। उसे जांच के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे वैन तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बिहार की जो पुलिस है वो लगातार ऑटो में सफ़र करके एक जगह से दूसरे जगह सफ़र कर रही है और बयान दर्ज कर रही है। और उन्हें जो सुशांत सिंह राजपूत के जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है, ऐसी खबरें आ रही है। तो ऐसे में बिहार के जो लोग हैं, जो बिहार के नेतागण हैं, वो भी लगातार मुंबई पुलिस पर, महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में ये तमाम जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक जो तेज प्रताप यादव ने एक आरोप लगाया है उसके, अगर उस आरोप की एनालिसिस करें तो उसमें ये बात, बड़ी बात एक सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस ने पैसे लेकर के सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की जो बात है, आत्महत्या का जो मामला है, उस सारे प्रकरण को ही दबाने की कवायद शुरू कर दी है। तो सारी खबरें आप भारत लाइव पर देख रहे हैं, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है, तो आप देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ, शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।